हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एनालिसिस फ्रॉम 6 to 10 सितंबर। 5 सितंबर तक एनालिसिस हुआ है, आपको पता होगा। देखो ये दोनों महीने ऐसे थे कि आई रियली रियली कांट नाउ इवन आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस। आप तो मैं फॉरगिवनेस भी नहीं मांग सकता, लेकिन दिक्कत क्या है मैं आपको बता दूँ। पहले पर्सनल रीजन्स थे, फिर 15 अगस्त का रीज़न हो गया, परेड का रीज़न हो गया, उसके बाद फिर आपका ये मेन्स यूपीएससी मेन्स का रीज़न हो गया। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स एनालिसिस गॉट डिलेड। वो नहीं होना चाहिए था हालांकि, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आपको पूरा कर दूं, कंप्लीट करा दूं। नोट्स मैंने बना के इसलिए डाले थे, पढ़े नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर से इसका एनालिसिस कर देता हूं, वीडियो बना देता हूं, और कल से मैं कोशिश करूंगा कि डेली टू डेली आपका एनालिसिस अपलोड हो जाए 9:30 बजे तक सुबह, है ना। सो दैट इज़ माई पर्सनल एंडेवर एंड स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एनालिसिस को 6 से 10 का, है ना। तो पहला सवाल आपको दिख रहा होगा कि इनमें से कौन सी कंट्री का खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। 2023 का पूछा हुआ सवाल है, ऑप्शंस आपने देख लिए, आंसर करिएगा, करेक्ट आंसर है जापान, ठीक है। दूसरा सवाल है, रिसेंटली जाइंट ब्लैक होल्स का मर्जर हुआ था, ये क्यों सिग्निफिकेंट है। ये 2019 का सवाल है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ब्लैक होल्स के मर्जर से क्या मिला था। तो इसका आंसर है बी, ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुई थी। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होते हैं आप सबको पता होगा, मैंने बताया कि स्पेस टाइम के मैट्रिक्स में अगर कोई भी दो पार्टिकल जिनका मास है कुछ m1 या m2, एनी मास, m1 m2, है ना, जीरो मास नहीं होना चाहिए, m1 m2 मास होना चाहिए। अब ये मास छोटा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर m1 m2 मास के पार्टिकल्स अगर कोलाइड करेंगे या इंटरैक्ट करेंगे या मर्ज करेंगे, तो फिर ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं। अब चूंकि इस बार ब्लैक होल लेवल का मर्जर हुआ था, बहुत ज़्यादा भार होता है ब्लैक होल्स का, इस कारण से जब उनका मर्जर हुआ तो ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुई। अगर यहीं पे मास कम होता तो डिटेक्ट भी नहीं होती, है ना। तो ये एक चीज़ है जो कि आपको पता होगा। लीगो ऑब्जर्वेटरी, आप सबको पता होगा लीगो का नाम आपने सुना होगा, लीगो लेजर इंटरफेरोमीटर, ये अमेरिका में भी हाउस्टेड है, इंडिया में भी इसकी बात चल रही है। कहाँ पर चल रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं तो अच्छा लगेगा मुझे। लीगो ऑब्जर्वेटरी इंडिया में कहाँ पर बात चल रही है, ठीक है ना। और एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की भी बात चल रही है इंडिया में, तो दोनों के नाम आप बताइएगा, लीगो ऑब्जर्वेटरी कहां पर है और न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहां पर है। अगली जो न्यूज़ है वो है SCRIT सिस्टम के बारे में, SCRIT सिस्टम के बारे में। तो अब ये क्या है, बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर झांकने का एक मेथड है। क्या है, न्यूक्लियस के अंदर झांकने का मेथड है। आप सबको नाम पता होगा रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड का नाम याद है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसने गोल्ड का फॉइल लिया था, उसके ऊपर बीम डाली थी उन्होंने, और उसमें फिर जो उसका मतलब किस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रही है या किस तरीके से वेव्स मूव कर रही है, उससे पता चला था कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें उनको पता चली थी। तो ये एक्सपेरिमेंट 3 लोगों ने किया था, अर्नस्ट रदरफोर्ड, हैंस गीजर एंड अर्नस्ट मार्सडेन ने किया था। इन्होंने थिन गोल्ड फॉइल ली थी और उसमें रेडिएशन डाला था, ठीक है ना। इसके बाद रॉबर्ट हॉफस्टैडर भी आए थे, उन्होंने बॉम्बार्डमेंट किया था इलेक्ट्रॉन्स का, उन्होंने भी थिन फॉइल्स ली थी, है ना, और न्यूक्लियस के अंदर ही झांकने के लिए उन्होंने भी किया था एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन्स की हायर एनर्जी का यूज किया, है ना, कि देखा जा सके क्या है। अब अभी रिकेन निशिना सेंटर है जापान में, रिकेन निशिना सेंटर, जैसे देखो लिखा हुआ यहां पर देख लेना इसको, रिकेन निशिना सेंटर है, कहाँ पर है, जापान में है। अब यहाँ पे भी इसी ट्रेडिशन में एक नया लीप फॉरवर्ड लिया गया है। यहाँ पे क्या किया उन्होंने कि दे हैव यूज्ड द न्यूक्लियाई ऑफ सीजियम 137 एटम्स, ठीक है ना। तो सीजियम 137 एटॉमिक नंबर है, सीजियम 137 का इन्होंने बेसिकली न्यूक्लियस लिया है, एंड दे हैव मेड श्योर इलेक्ट्रॉन्स कुड इंटरैक्ट विद देम यूजिंग अ सिस्टम कॉल्ड SCRIT। तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन्स को इंटरैक्ट करवाने के लिए, इसकी न्यूक्लियस से इंटरैक्ट करवाने के लिए जो सिस्टम यूज हुआ है, उसका नाम है SCRIT सिस्टम। याद रखिएगा सीजियम 137 का यूज किया गया है, इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से इंटरैक्ट कराया जाएगा ताकि पता चल सके कि और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ना, टू सी द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ अ शॉर्ट लिव्ड न्यूक्लियस, ठीक है ना। SCRIT सिस्टम क्या होता है, बेसिकली इसमें रिसर्चर्स जो होते हैं एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं, है ना, और पार्टिकल एक्सेलरेटर रहता है जो कि इनको एनर्जाइज करता है, और इनको बेसिकली देन दे आर स्मैश्ड इनटू द ब्लॉक ऑफ यूरेनियम कार्बाइड, फिर यूरेनियम कार्बाइड का भी यूज किया जाता है। तो ये कुछ चीजें थी जो इसके बारे में आपको बतानी थी, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला जो टॉपिक है वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में देख लेते हैं। अब अभी रिसेंटली ICRA IS, आपको नाम पता होगा, ICRA IS इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट
इन्होंने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ऑर्डर इशू किया है और कहा है कि भैया फॉल्स टेस्टिमोनियल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स। अवध ओझा सर का नाम आपने सुना होगा, वो भी इकरा आईएएस से जुड़े हुए थे और काफ़ी वो कहते थे इकरा में आओ है ना, और ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो फॉल्स टेस्टिमोनियल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स दिए गए हैं इकरा आईएएस में कि आप आओ और आपको यूपीएससी कन्फर्म कर देंगे, ये है वो, है ना। जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि यूपीएससी कन्फर्म कोई नहीं कर सकता, हाँ दे कैन असिस्ट यू, और अगर आपके अंदर होगा तो आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर लोगे, हाँ यू कैन असिस्ट बट यू कैन नॉट मेक अ क्लेम दैट कि मैं आपका निकलवा दूंगा, है ना। तो अभी इकरा आईएएस बेसिकली 2018 में इस्टेब्लिश हुआ है और फॉल्स क्लेम इन्होंने किए थे टॉप रैंकर्स के, इन्होंने टेस्टिमोनियल्स दे दिए 15-17 कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये सब फैक्चुअली डिसीविंग था। तो सीसीपीए यानी कि कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसने सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया एंड कहा कि भैया ये सब फॉल्स क्लेम्स हैं इंस्टीट्यूट के और बेसिकली ये मतलब कहती कि बेस्ट फैकल्टी है, बेस्ट यूपीएससी ऑनलाइन प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगा, सर ये सब फॉल्स क्लेम है, कोई भी अपने आपको बेस्ट नहीं बोल सकता, ठीक है ना। इकरा आईएएस को नोटिस दिया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत, कहा गया कि भैया आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है इसका वायलेशन किया है। तो अब क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है पहले तो कंज्यूमर को डिफाइन करता है कि भैया कंज्यूमर जो है इट्स अ पर्सन हु बायज एनी गुड और अवेल अ सर्विस, हाँ या तो गुड बाय कर रहा हो या सर्विस बाय कर रहा हो, दोनों में से कोई चीज कर रहा है तो वो कंज्यूमर है, ठीक है। एक्सक्लूजन, कौन सी चीज इसमें इंक्लूड नहीं होती, डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स अ गुड फॉर रीसेल और अ गुड और सर्विस फॉर कमर्शियल पर्पस। तो अगर कोई इसमें रीसेल में या कमर्शियल पर्पस से गुड और सर्विस अप्लाई कर रहा है तो उसको वो इंक्लूडेड नहीं रहता। इसके अलावा इट इंक्लूड्स ऑल द ट्रांजेक्शन्स, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, टेली शॉपिंग हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, सब इसमें इंक्लूडेड रहते हैं, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अगर आप देखेंगे तो उसमें मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट भी डिफाइंड है। तो एक्ट बोलता है कि भाई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक ऐसा मतलब है एडवर्टाइजमेंट जो कि फॉल्सली डिस्क्राइब करता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को या फिर कोई फॉल्स गारंटी देता है और फॉल्स गारंटी के माध्यम से वो मिसलीड करने की कोशिश करता है कंज्यूमर्स को, ठीक है ना। तो ऑब्वियस बात है फॉल्स गारंटी देना या आप मिसलीड करना किसी भी तरीके से, ये सारी चीज़ें जो है उसमें मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूडेड है। या फिर आप कोई इंफॉर्मेशन कंसील करो, मतलब कि कोई इंफॉर्मेशन अगर आप छुपाओ डेलिबरेटली तो वो भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? दैट आल्सो कम्स अंडर योर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स भी दिए हुए हैं कुछ, भैया कंज्यूमर्स के अधिकार भी हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो अब कंज्यूमर्स के क्या क्या अधिकार हैं? तो यहां पे पहला है जैसे राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये छह अधिकार जो हैं वो कंज्यूमर को दिए जाते हैं। पहला है राइट टू सेफ्टी, मतलब कि भैया प्रोडक्ट से आपको सेफ्टी मिलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्ट आपको नुकसान पहुंचा लेंगे, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। दूसरे ही है कि राइट टू चूज, आपको चूज करने का अधिकार होना चाहिए, है ना। बेगर्स कांट बी चूजर्स वाली कहावत सुनी, बट कंज्यूमर्स आर नॉट बेगर्स, कंज्यूमर्स पे फॉर द सर्विसेज, देयरफॉर दे आर नॉट बेगर्स, है ना। तो देयरफॉर दे हैव राइट टू चूज। थर्ड है राइट टू बी हर्ड, है ना। राइट टू बी हर्ड मतलब कि कोर्ट में जाकर के आपको ना, मतलब आपकी जो अपनी आप बीती सुनाना चाहो तो आपके पास ये अधिकार है और आप सुना सकते हो। देन राइट टू सीक रिड्रेसल, अब सुनने के बाद ऑब्वियस बात है आप बोलो कि भैया सोल्यूशन दो मेरे को, तो रिड्रेसल मांगने का भी अधिकार आपके पास है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, अगर आप चाहो तो कुछ पूछ सकते हो उनसे कि भैया मुझे बताओ क्या क्या अधिकार है मेरे, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो इसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो मेन बॉडी है जिसने अभी इकरा के लिए भैया 1,00,000 का फाइन भी शायद लगाया हुआ था, वो लिखा नहीं है इसमें लेकिन ठीक है फाइन लगाया हुआ था। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बेसिकली है क्या? 2020 में इस्टेब्लिश की गई, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आती है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स बाय क्रैकिंग डाउन ऑन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, है ना। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, इनके ऊपर बेसिकली जाकर के ये प्रहार करती है और कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बेसिकली कंस्टिट्यूट की गई है सेक्शन 10(1) के तहत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत। तो ये भी आप थोड़ा याद रखिएगा कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 10(1) के अंतर्गत है। इसका कंपोजिशन अगर हम बात करें तो हेड इसका चीफ कमिश्नर होता है, मेंबर्स दो अदर कमिश्नर्स होते हैं मेंबर्स के रूप में, एक जो मेंबर रहता है वो मैटर्स रिलेटेड
रिलेटेड गुड्स देखता है एंड सेकंड वन जो रहता है वो मैटर्स रिलेटेड सर्विसेज देखता है। प्लस इसकी एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी रहती है जिसमें डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल होता है। देन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स दे टू हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशंस ऑफ कंज्यूमर राइट्स। इस कारण से वो भी कहना गया इस पूरे उसका चेन का ही हिस्सा है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो होते हैं वो भी पावर रखते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके कंप्लेंट्स को, ठीक है ना। अब पावर्स की मैं बात करूं, फंक्शंस की बात करूं, तो ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इस तरीके के वायलेशंस का, कंज्यूमर राइट्स के वायलेशंस का या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का, सुओ मोटू मतलब खुद से भी या फिर कंप्लेंट के बेसिस में, ठीक है ना, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के बेसिस पे। इसके अलावा ये गुड्स का, गुड्स को रिकॉल करवा सकते हैं, सर्विसेज का विड्रॉल करवा सकते हैं, ऐसी सर्विसेज का, ऐसे गुड्स का जो डेंजरस हो, हैजार्डस हो या अनसेफ हो। दे कैन पास एन ऑर्डर फॉर रिफंड ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर वो चाहें तो रिकॉल हुए प्रोडक्ट के रिफंड भी करवा सकते हैं, ऑर्डर पास कर सकते हैं। दे कैन इंपोज अ पेनल्टी अप टू 10 लाख रुपीज विद इंप्रिजनमेंट ऑफ अप टू 2 years ऑन द मैन्युफैक्चरर और एंडोर्सर ऑफ अ फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो अगर कोई फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देता है तो 2 साल तक की सजा भी है और 10 लाख तक की पेनल्टी भी ये लगा सकता है, और पेनल्टी अगर चाहे तो 50 लाख तक बढ़ सकती है, इंप्रिजनमेंट 5 साल तक बढ़ सकता है अगर सब्सिक्वेंट क्राइम्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके पास पावर होती है कि वो एंडोर्सर को बैन कर सकता है फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, है ना, और कंज्यूमर राइट्स के मतलब वायलेशंस में ये कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है, अगर आगे भी चाहे तो कर सकता है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला टॉपिक है क्लासिकल डांसेस ऑफ केरला। केरला में कुछ देखो, क्लासिकल डांसेस ऑफ केरला में कंफ्यूज मत होना, इसमें केरला के बहुत सारे डांस लिखे हैं मैंने, बट ये सारे क्लासिकल, देखो क्लासिकल इंडिया में 8 ही डांस है ना, जो इंडिया में है क्लासिकल 8 डांस, उसमें केरला का एक मोहिनी अट्टम आता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। मोहिनी अट्टम एकमात्र है केरला का जो आता है, ठीक है ना, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें केरला के डांसेस की, तो सबसे पहले अभी एक्चुअली ओणम का फेस्टिवल था 20 अगस्त के आसपास, जैसे 20 अगस्त से शुरू हुआ था और चला आपका सितंबर तक चला, तो यहाँ पे बेसिकली मलयालम ईयर स्टार्ट होता है जिसको कोल्ला वर्षम बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, मलयालम को, मलयालम ईयर को कोल्ला वर्षम बोलते हैं। और यहाँ पे वो कम्यूमरेट करते हैं जो उनके महाबली नाम के एक राजा थे, मिथिकल किंग थे इनके, महाबली किंग, महाबली उस उनका अराइवल ये सेलिब्रेट करते हैं, मिथिकल किंग महाबली का अराइवल होता है कोल्ला वर्षम में, ठीक है ना। अब क्लासिकल डांस ऑफ केरला की बात करें तो बहुत सारे क्लासिकल हेरिटेजेस हैं इनके, बहुत सारे क्लासिकल डांस हैं। एक है जैसे कराकट्टम डांस, कराकट्टम डांस, कराकट्टम डांस पहला हो गया, दूसरा इनका कथक कली हो गया, सॉरी 2 क्लासिकल डांस केरला के हैं, फिर कथक कली हो गया और आपका मोहिनी अट्टम हो गया ना, ये 2 हो गए। तो कथक कली इज द क्लासिकल डांस अगेन, है ना, ये 300 साल पहले स्टार्ट हुआ था एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस डांसेज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो, पूरे इंडिया का ही वन ऑफ द मोस्ट फेमस डांसेज है। और एक जो मैंने आपको बोला था नहीं, 8 क्लासिकल डांसेज है इंडिया में, है ना, 8 क्लासिकल डांसेज में भी एक है। तो कथक कली हो गया, कथक हो गया, कथक तो आपका नॉर्थ इंडिया का हो गया, बनारस वनारस का हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ये भी साउथ का है, और आपका भरतनाट्यम हो गया, और आपका मोहिनी अट्टम हो गया, सत्रिया हो गया, सत्रिया आपका असम का एक डांस है, बहुत फेमस डांस है, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए, आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दिस थिंग। एंड कथक कली जो परफॉर्मेंस होते हैं वो ग्रेट स्टोरीज होते हैं पास्ट के, इंडियन एपिक्स के, महाबली के, है ना, जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज है उनको एक्सप्रेस करते हैं। फिर मोहिनी अट्टम जो मैंने आपको बताया कि अगेन इट्स अ वेरी ग्रेसफुल एंड लिरिकल डांस फॉर्म है, मोहिनी अट्टम लिरिकल डांस फॉर्म है एंड इज परफॉर्म्ड इन द ऑनर ऑफ हिंदू गॉड विष्णु, विष्णु जी का जो मोहिनी अवतार था, आप सबको पता होगा कि मोहिनी अवतार लिया था विष्णु जी ने, भस्मासुर को याद है, भस्मासुर को ये आप लोग जानते हैं, भस्मासुर को वरदान दे दिया था भगवान शिव ने, है ना, और कहा था कि भाई जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो जल जाएगा, तो वो शिव जी के पीछे दौड़ने लगा, है ना, हाथ रखने के लिए। तो इसमें फिर क्या हुआ कि विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया, और मोहिनी अवतार लेकर के भस्मासुर को अपने पहले तो सुंदरता में रखा, और फिर ये क्या है, दोनों लोग एक दूसरे के साथ डांस करने लगे, मोहिनी डांस होता है उसमें, तो मोहिनी डांस कर रही थी, डांस कर रही थी, ये भी डांस कर रहा था, फिर अंतिम में मोहिनी ने एक स्टेप में अपने सर पे दोनों हाथ रख लिए, तो इसने भी रिपीट कर रहा था, कॉपी कर रहा था, तो अपने सर पे दोनों हाथ रख लिए, तो खुद ही भस्मासुर भस्म हो गया। तो ये थी भस्मासुर की कहानी, आई होप यू विल रिमेंबर दिस। एंड जो मोहिनी डांस है, मोहिनी अट्टम है, वो केवल वुमेन ही परफॉर्म करती हैं, है ना, जेंटल फ्लावरिंग मूवमेंट्स होते हैं, ये भी बहुत स्टोरीज इसमें भी नरेट की जाती हैं। कुडियट्टम एक और केरला से बहुत इंपॉर्टेंट यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है कुडियट्टम, कुडियट्टम याद रखिएगा, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल थिएटर, है ना, याद रखिएगा, थिएटर है कुडियट्टम, अगर हम बात करें तो यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का टैग भी मिला है। इसके अलावा आपको कलरीपयत्तू याद होगा, कलरीपयत्तू वहाँ का मार्शल
आर्ट है ना, कलरीपयत्तु, कलरीपयत्तु इज द मार्शल आर्ट फ्रॉम केरला, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। कुडियट्टम में भी हिंदू एपिक्स पुराणास की स्टोरीज दिखाई जाती हैं। देन थिरुवथिराकली, याद रखिएगा थिरुवथिराकली, तो ये ट्रेडिशनल ग्रुप डांस है थिरुवथिराकली। ग्रेसफुल सर्कुलर मूवमेंट्स होते हैं वुमेन के द्वारा एंड क्लैपिंग ऑफ द हैंड्स टू द रिदम ऑफ द म्यूजिक, है ना। एंड दिस ग्रुप इज ग्रुप डांस परफॉर्म बाय वुमेन, कंसिडर्ड सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड, याद रखिएगा इट इज कंसिडर्ड एज अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड एंड इट इज मोस्टली परफॉर्म इन द इवनिंग। थिरुविथा, ये आपका नाम फिर से बता दूँ, थिरुवथिराकुली कली, याद रखिएगा थिरुवथिराकली। चकियार कूथू, चकियार कूथू इज़ ए ट्रेडिशनल सोलो परफॉर्मेंस, है ना, एंड इट हैज़ आर्टिस्ट नरेटिंग द एपिसोड्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत, तो रामायण और महाभारत की स्टोरीज इसमें नरेट की जाती है चकियार कूथू में, और ये सोलो परफॉर्मेंसेज दिए जाते हैं, ठीक है ना, तो इसमें सोलो परफॉर्मेंसेज होते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट अ डांस फॉर्म पर से, पर पर्टिकुलरली डांस फॉर्म नहीं है ये, हाँ ठीक है, इसमें शो के स्टोरी टेलिंग टाइप की होती है, सोलो किया जाता है, ठीक है। ओट्टा ओट्टम थुल्लल, याद रखिए ओट्टम थुल्लल क्या है, दिस डांस वॉज क्रिएटेड बाय रेनाउंड मलयालम पोएट कंचन नाम्बियार, तो कंचन नाम्बियार ने इसको बनाया था ओट्टम थुल्लल को, एंड एक सिंगल परफॉर्मर होता है, ही नरेट द स्टोरीज ऑफ डांस, नरेट द स्टोरीज विद द सॉन्ग एंड डांस, है ना, इन अ सटायरिकल एंड ह्यूमरस वे, तो सटायरिकल और ह्यूमरस वे में इसमें क्या है, स्टोरी नरेट की जाती है, सिंगल परफॉर्मर होता है, एंड दिस परफॉर्मेंस इज अकंपनीड बाय मृदंगम, एक मृदंगम भी होता है। अगले टॉपिक पे आते हैं, अगला टॉपिक है ग्रामोद्योग विकास योजना के बारे में, तो ग्रामोद्योग विकास योजना क्या है, अभी एक्चुअली पीआईबी में न्यूज़ में थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसको 2020 में लॉन्च हुई थी, याद रखिएगा ग्रामोद्योग विकास योजना, तो ग्रामोद्योग विकास योजना 2020 मार्च में रिलीज हुई थी, और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा ये चलाई जाती है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है असिस्टिंग द डेवलपिंग ऑफ अगरबत्ती इंडस्ट्री एंड इट्स आर्टिजंस, तो ग्रामोद्योग विकास योजना जो है इसमें मेन जो फोकस है वो अगरबत्ती इंडस्ट्री को और उसके आर्टिजंस को डेवलप करने के लिए ही ये स्कीम है। एंड द प्रोग्राम एम्स टू इन्हांस द प्रोडक्शन ऑफ अगरबत्ती इन द कंट्री, इट एम्स टू क्रिएट सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर द ट्रेडिशनल आर्टिजंस बाय प्रोवाइडिंग देम विद रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज देयर वेजेस ऑल्सो, तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, कौन कौन से हैं, पहला है R&D कंपोनेंट, मतलब कि जैसे जो अगर जो भी ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं या जैसे उसमें क्या क्या और डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, क्या नए इनोवेशन ला सकते हैं, क्या डिज़ाइन डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग में जैसे कि स्टाफ को कैपेसिटी ट्रेनिंग या आर्टिजन्स की ट्रेनिंग डेवलप करना, है ना, बहुत सारी चीज़ें उनके पास बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे कर सकते हैं। देन मार्केटिंग ऑल्सो, मार्केटिंग भी, मार्केट सपोर्ट भी दिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्लोबलाइज करना है तभी जाकर के उनकी विक्री होगी। इसमें बहुत बड़ा रोल KVIC का है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का, तो KVIC की अगर मैं बात करूँ आपसे तो ये मेन इसका ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, तो विलेज इंडस्ट्रीज को ये डेवलप करना इसका मेन काम है। 1957 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट 1957 में हुआ था। मिनिस्ट्री लगती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, स्टेट्यूटरी बॉडी है ये भी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 के अंतर्गत बना था, तो ये भी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। KVIC एक्ट 1956 के अंतर्गत बनाया गया था, आप याद रखिएगा। अब KVIC के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला है एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, याद रखिएगा ये कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहता है, इसके लिए प्रोजेक्ट रीहैब इन्होंने स्टार्ट किया था, है ना, तो प्रोजेक्ट रीहैब याद रखिएगा। देन सेल ऑफ खादी आर्टिकल्स, इनको भी प्रमोट करना, KVIC का नाम ही खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज है, तो सेल ऑफ खादी आइटम्स को बढ़ाना है और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, ठीक है ना। और इसका काम क्या क्या है, तो प्लानिंग प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड अदर विलेज इंडस्ट्रीज, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ खादी, अदर विलेज इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करना इनका एम है, लेकिन मेन खादी पे ये फोकस करते हैं। और दूसरी एजेंसीज जो रूरल एरिया में काम कर रही है उनको भी कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके साथ में मिलते हैं। अगला टॉपिक देखो XRISM, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोलते हैं हम एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन, XRISM नाम याद रखिएगा, एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन, ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये जो मिशन है ये है, पहले इसको XARM बोलते थे, ये कोलैबोरेशन है जाक्सा और नासा का, याद रखिएगा जापानीज स्पेस एजेंसी प्लस आपका एरोनॉटिकल नेशनल अमेरिकन जो स्पेस एजेंसी है नासा, नासा प्लस जाक्सा का कोलैबोरेटिव मिशन
क्वेश्चन है, और इनके नJAXA के साथ इसमें ESA भी जुड़ा हुआ है, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी जुड़ा हुआ है। तो एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन है, इट्स अ JAXA NASA कोलैबोरेटिव मिशन विद ESA पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट इसमें ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी किया है, JAXA और NASA इसमें कोलैबोरेटिव बॉडी है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन का, ऑब्जेक्टिव मिशन का टू इन्वेस्टिगेट द सेलेस्टियल एक्सरे ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। तो याद रखिएगा सेलेस्टियल यानी कि जो यूनिवर्स के एक्सरे निकालने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में, है ना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको समझना, उनकी इमेजिंग करना एंड हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी करना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। XRISM लॉन्च किया गया था तानेगाशिमा स्पेस सेंटर जापान से, तानेगाशिमा स्पेस सेंटर जापान में वहां से ये किया गया था। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। इसी दौरान एक टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था, इकोसाइड, एडिटोरियल भी आया था द हिंदू में इकोसाइड में। तो क्यों आया था पहले मैं आपको बता दूं, आया इसलिए था क्योंकि मेक्सिको जो है वो कंसीडर कर रहा था पासिंग अ लॉ टू मेक इकोसाइड अ क्राइम। मेक्सिको जो है वो लॉ पास करने वाला था इन ऑर्डर टू मेक इकोसाइड अ क्राइम। अब इकोसाइड क्या है, तो इकोसाइड जो है वो डराइव होता है ग्रीक एंड लैटिन से, और इसका मतलब होता है किलिंग वंस होम और इन्वायरमेंट, किलिंग द इन्वायरमेंट। इकोसाइड जैसे होमोसाइड होता है ना, और जीनोसाइड होता है, और इस तरीके जैसे रेस खत्म कर रहे हैं बहुत ह्यूमैनिटी को खत्म करते हो, जीनोसाइड हो जाएगा। होमोसाइड मतलब एक सिंपल मर्डर, आपने किसी एक ह्यूमन बीइंग को मार दिया। इकोसाइड मतलब आपने एनवायरनमेंट को या किसी के घर को मार दिया, ठीक है ना। तो सच किलिंग वुड इंक्लूड द एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, जैसे कि जो फ्रेजाइल मेरीन लाइफ को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, या फिर लोकल लाइवलीहुड को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, या फिर डिफॉरेस्टेशन कर दिया, इलीगल सैंड माइनिंग जो होती है, पल्यूटिंग द रिवर्स विद अनट्रीटेड सीवरेज एंड ऑल। तो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द इकोसाइड पार्ट, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं लीगल डेफिनेशन की, क्या कोई लीगल डेफिनेशन है। तो अभी तक देर इज नो एक्सेप्टेड लीगल डेफिनेशन, लेकिन स्टॉप इकोसाइड फाउंडेशन जो है 2021 में उसने एक डेफिनेशन प्रिपेयर की थी इकोसाइड की। उसने कहा था कि भाई इकोसिस्टम एक ऐसा अनलॉफुल या फिर एक्ट है, अनलॉफुल एक्ट है विच इज कमिटेड विद नॉलेज दैट देर इज अ सब्सटेंशियल लाइकलीहुड ऑफ सीवियर एंड आइदर वाइड स्प्रेड और लॉन्ग टर्म डैमेज टू द एनवायरमेंट, है ना। मतलब कि इकोसाइड एक ऐसी अनलॉफुल एक्ट है जो कमिट होता है, और ये नॉलेज के साथ कमिट होता है कि भैया सब्सटेंशियल लाइकलीहुड है कि इससे क्या है इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंचेगी, ठीक है ना। तो इकोसाइड जो है वो एक ऐसा एक्ट है जब आप कमिट करते हो तो आपको पता होता है कि इससे सब्सटेंशियल नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। अब एग्जांपल्स क्या है इकोसाइड के, तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जैसे कि जो वियतनाम वॉर हुआ था उस समय जो डिफॉरेस्टेशन किया गया था वियतनाम में वो था, है ना, रशियन इन्वेजन जो यूक्रेन में हुआ है, इंडोनेशिया में जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट का जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है, नाइजर डेल्टा में जो ऑयल पोल्यूशन हुआ है, चेर्नोबिल डिजास्टर, जैसे कि चेर्नोबिल भी एक तरीके का इकोसाइड ही है ना। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ये जो टर्म है इकोसाइड, इसको पॉपुलराइज किया था ओलाफ पाल्मे ने, एंड ही अक्यूज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑफ इकोसाइड एट द 1972 यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द स्टॉकहोम एनवायरनमेंट, उसमें ओलाफ पाल्मे ने यूएसए को कहा था कि भैया आपने इकोसाइड किया है, एनवायरनमेंट को ख़त्म किया है। अब हम बात करते हैं कि क्या इकोसाइड कवर्ड है किसी इंटरनेशनल लॉ में। तो अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो रोम स्टैट्यूट जो होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो डील करती है वो चार एट्रोसिटी से डील करती है। रोम स्टैट्यूट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो है वो चार एट्रोसिटी से डील करती है, जीनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स ऑफ एग्रेशन, ठीक है ना। वॉर क्राइम तो एक मतलब है जिसमें कि आप वो कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली देखो अगर आप, तो इकोसाइड कहीं डिफाइंड नहीं है, है ना, इकोसाइड कहीं क्रिमिनलाइज्ड नहीं। तो कुल मिलाकर के जो मेन हमारा रोमन स्टैट्यूट है वो भी जीनोसाइड कवर करता है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कवर करता है, वॉर क्राइम्स कवर करता है, एग्रेशन कवर करता है, ठीक है ना। अब यहां पे हम बात करें इकोसाइड को क्यों क्रिमिनलाइज करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो 1/3 ऑफ द अर्थ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज हैं, दे कुड गेट एक्सटिंक्ट बाय 2050, 2050 तक ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और अगर हम देखें तो इन कारणों से क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, हीट वेव्स बहुत ज्यादा आएंगे, जब फ्लोरा फौना का बैलेंस गड़बड़ आएगा तो वो भी बहुत ज्यादा नुकसान क्रिएट करेगा, है ना, और फ्लड्स, ड्रॉट्स, पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। अमेजॉन जिनको हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे, कहीं अब वहां पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना।
डीप सी ट्रॉलिंग से आपको पता है एक्वेटिक लाइफ कितनी ज़्यादा नुकसान पहुंच रही है, जो अनरेगुलेटेड फिशिंग है वो कितना नुकसान क्रिएट कर रही है ना, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। इकोसाइड लॉज जो रहते हैं बेसिकली दे एक तरीके से लोगों के दिमाग में एक अर्जेंसी लाएंगे, सेंस ऑफ अर्जेंसी लाएंगे कि भैया ज़रूरत है कि हमको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें और ऐसे स्टेप्स उठाएं जिनसे कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, है ना। एंड न केवल ये होगा, जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, लो इनकम कंट्रीज हैं, या जो स्टेट्स ऐसे हैं जो कि कोस्टल एरियाज में हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इसका देखने को मिलेगा। इकोसाइड को क्या क्रिमिनलाइज पहली बार किया जा रहा है मेक्सिको द्वारा, तो ऐसा भी नहीं है। इकोसाइड 11 कंट्रीज में क्राइम है, याद रखिएगा 11 कंट्रीज में ऑलरेडी इकोसाइड क्राइम है, और 27 और नेशंस ऐसे हैं जो लॉज बनाने की बात कर रहे हैं ताकि जो विलफुल इस तरीके से अगर कोई नुकसान पहुंचाए एनवायरमेंट को तो उनको क्रिमिनलाइज किया जा सके। इसके अलावा यूरोपियन पार्लियामेंट ने वोट किया था यूनानिमसली दिस ईयर टू इंश्राइन इकोसाइड इन लॉ, इकोसाइड को इंक्लूड करने के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट ने ऑलरेडी वोट किया हुआ है। इंडिया का क्या स्टैंड रहा है, तो इंडियन जजमेंट्स दे हैव यूज द टर्म इकोसाइड इन पासिंग बट द कंसेप्ट हैजंट फुल्ली मटेरियलाइज इन लॉ, अभी तक कंसेप्ट को फुल्ली मटेरियलाइज नहीं किया गया, लॉ नहीं बनाया गया है, लेकिन कुछ केसेस में इकोसाइड का जिक्र जरूर किया गया है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, कल मैंने आपको सॉरी कल तो मैंने कुछ नहीं बताया था, जो आपका 5 सितंबर वाला एनालिसिस था उसमें अगर आपको याद हो तो डार्क पैटर्न्स मैंने आपको बताए थे, मतलब किस तरीके से ई कॉमर्स के डार्क पैटर्न्स होते हैं। तो 11 तारीख में बताऊंगा मैं 11 तारीख को अच्छा बताऊंगा, ठीक है। तो डार्क पैटर्न्स जो होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ई कॉमर्स में डार्क पैटर्न्स का मतलब होता है कुछ ऐसे तरीके जिसमें, जैसे मान लो आपको शुरू में दिखाया गया कि ये एडिडास के जूते 500 रुपये में, ठीक है ना। अब आपने क्या देखा कि भैया एडिडास के 500, चलो खरीद लेते हैं। आप खरीदने का अमेज़न में सब कुछ हुआ, चेकआउट हुआ, फाइनल जब पेमेंट करने की बारी है तो वहां पे 1500 लिख दिया और आपने क्या किया, देखा नहीं आगे किया और पेमेंट कर दिया, आपने कहा 1500 कट गए, देखा तो फाइनल प्रोडक्ट में 1500 लिखा हुआ है। तो ये क्या, ये डार्क पैटर्न एक तरीके से आपको मलिशियस तरीके से ले जाया गया फाइनल पेज तक, क्लिक बेट कराया गया और एंड ऑल। तो ये सारे जो पैटर्न होते हैं डार्क पैटर्न होते हैं, तो अब मैं कुछ डार्क पैटर्न आपको बता देता हूं, वो देख लीजिए और समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी टॉपिक है ये। पहला है डार्क पैटर्न फॉल्स अर्जेंसी। फॉल्स अर्जेंसी मतलब कि फॉल्सली जब आपको भैया दिखाया कि लास्ट डे आज के बाद नहीं मिलेगा, मिलेगा रोज लेकिन आज के बाद नहीं मिलेगा, तो ये होता है फॉल्स अर्जेंसी। ये फॉल्सली आपको बोला जाता है कि भैया अर्जेंसी है, आज के बाद आप नहीं कर पाओगे, तो आप तुरंत जाके खरीद लेते हो। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं बास्केट स्नीकिंग। बास्केट स्नीकिंग मतलब कि कई बार क्या होता है, आपने 4 प्रोडक्ट लिए तो 1 प्रोडक्ट स्नीक करके उन्होंने अपने से डाल दिया चेकआउट में बिना आपके कंसेंट के। छोटा सा प्रोडक्ट था 5 रुपये का, चलो 5 रुपये की बिस्किट डाल दी, अब आपने देखा नहीं प्राइस तो 5 रुपये बढ़ा, आपने तो इतना ध्यान किया नहीं, आपने ऑर्डर किया था यार, आपने बिस्किट तो ऑर्डर की ही नहीं थी, तो ये बास्केट स्निकिंग कहलाती है, ठीक है ना। देन कंफर्म शेमिंग। कंफर्म शेमिंग यूजिंग अ फ्रेज, वीडियो, ऑडियो और एनी अदर मींस टू क्रिएट अ सेंस ऑफ फियर और शेम और रिडिक्यूल और गिल्ट इन द माइंड ऑफ द यूजर। मतलब कि भैया ये नहीं खरीदा अगर आपने तो आप सच्चे देशभक्त नहीं हो, मान लो आपको ये दे दिया है ना, तो आपने देखा कि अरे यार ये नहीं खरीदा तो देशभक्ति नहीं होती, ये भी कंफर्म शेमिंग है आपके साथ, है ना। फोर्स्ड एक्शन, देन यू आर फोर्सिंग द यूजर टू बाय एन एडिशनल गुड। जैसे मान लो कई बार आप कोई ऐप डाउनलोड करने जाते हो, बोलते हैं कि इसको डाउनलोड करने से ये एक्सटेंशन डाउनलोड करना जरूरी है, तो ये क्या है, फोर्स्ड एक्शन है। अब आपको लगता है ठीक है वो लेना तो ये ले लेते हैं। सब्सक्रिप्शन ट्रैप मतलब कि पेड सब्सक्रिप्शन को जब आप प्रोसेस को बेसिकली क्या करते हो, जो कैंसिलेशन की प्रोसेस होती है सब्सक्रिप्शन की, वो आपने बहुत इम्पॉसिबल या कॉम्प्लेक्स कर दिया। जैसे मान लो आप नेटफ्लिक्स कभी कैंसिल करने जाना तो बोलेगा कि मेरे डेस्कटॉप वाले अकाउंट से लॉगिन करो और वहां जाकर के वो जाके नाटक करो, तो ये फिर आदमी को लगता है क्या यार कौन इतनी पंचायत कर सच्चे, तो चलो 300 रुपये 400 रुपये दे देते हैं। तो ये होता है क्या है, सब्सक्रिप्शन ट्रैप। देन इंटरफेस इंटरफेरेंस, तो इसमें डिजाइन एलिमेंट ऐसे होते हैं जो मैनिपुलेट करते हैं यूजर के साथ, है ना। बेट एंड स्विच, इसमें क्या होता है कि आपने बेसिकली बेट किया मतलब एडवर्टाइज किया पर्टिकुलर आउटकम बेस्ड ऑन यूजर सेक्शन, मतलब यूजर ऐसा करेगा तो ऐसी ऐसी चीजें होंगी। ड्रिप प्राइसिंग, द प्रैक्टिस वेयर एलिमेंट्स ऑफ प्राइस आर नॉट रिवील्ड फ्रंट। इसमें क्या होता है, ड्रिप प्राइसिंग, बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिखाया जाता है, आपको लगता है कि यार ले लेते हैं प्राइस, लेकिन लास्ट तक वो आपको नहीं दिखाते हैं, रिवील नहीं करते हैं, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। नैगिंग होता है मतलब बार बार यूजर को बार बार रिक्वेस्ट भेजो, बार बार आप इंटरप्ट करो उसके नॉर्मल कामों के, भैया परचेज कर लो तो कर ही लेगा ना, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अगला टॉपिक है, आरबीआई ने डिसाइड किया कि वो डिसकंटिन्यू कर देगा ICRR इन अ फेज्ड मैनर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम। आरबीआई ने क्या डिसाइड किया कि वो ICRR को फेज्ड मैनर में डिसकंटिन्यू कर देगा। अब ICRR क्या है मैं आपको बता देता हूँ।
ICRR मतलब कि जो आपका इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो है, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, तो उन्होंने कहा कि हम डिसकंटिन्यू कर देंगे इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को उसमें फेज्ड मैनर में। अब ICRR क्या है? अब देखो, नॉर्मल जब आप बैंक की प्रोसीजर जानते होंगे उसमें NDTL होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज होता है, ये 15 दिन में कैलकुलेट होता है, हर 15 दिन में, और इसी NDTL के ऊपर लगाया जाता है CRR और SLR लगाया जाता है। आपको पता ना CRR और SLR का मतलब कैश रिजर्व रेशियो ना स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो मतलब मान लो सपोज करो 4% है, तो मतलब NDTL अगर आपको मान लो 100 रुपये था तो 4 रुपये आपको RBI के साथ रखना पड़ेगा। मतलब जो बैंक्स जो पैसा RBI के वॉलेट में रखते हैं अपना पैसा, वो CRR कहलाता है, ठीक है ना। तो ये होता है CRR। SLR क्या होता है? स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसमें उनके पास ऑप्शन रहता है, जैसे 20% के आसपास होता है मान लो, तो मतलब कि NDTL आपका 100 रुपये था तो उसका 20 रुपये आपको इधर गोल्ड में रखना पड़ेगा या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखना पड़ेगा या नॉर्मल आपको कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो ये आप अपने पास ही रखते हो, बैंक्स अपने पास रखते हैं SLR के रूप में। अब बचा जो, फिर जैसे ये आपने 20 रुपये यहाँ निकाल दिए SLR में और 4 रुपये निकाल दिए थे आपने CRR में, तो 24 आपने निकाल दिए, तो मतलब 76 रुपये आपके पास जो बचता है फिर वही आप लोन में घुमाते हो। तो NDTL में पहले CRR SLR माइनस कर दिया जाता है, उसके बाद जो बचता है वही आप पैसा घुमाते हो। अब ICRR क्या था? ये इंक्रीमेंटल एक एडिशनल कैश बैलेंस है जो RBI कहता है कभी कभी बैंक्स को टू मेंटेन ओवर द अबव कैश रिजर्व। मतलब CRR के ऊपर भी कई बार कुछ पैसा RBI बोल सकता है रखने के लिए कि भैया ऑब्वियस सी बात है कहीं उनको लग रहा है बैंकिंग सिस्टम में फॉल्ट ना जाए, है ना, डिपॉजिट्स में कहीं किसी बैंक में फॉल्ट ना जाए, तो कैश रिजर्व रेशियो तो मिनिमम अमाउंट है जो डिपॉजिट का आपको रखना पड़ेगा, है ना। ये RBI के साथ मेंटेन करते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। और इसी बैंकिंग सिस्टम की हेल्थ को बढ़ाने के लिए ICRR को 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी अगस्त की बात है, ICRR इंट्रोड्यूस किया गया था 2023 में, और इसको कहा गया भाई टेंपरेरी मेजर के रूप में रहेगा एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्व करने के लिए। एक्सेस लिक्विडिटी, ऑब्वियस सी बात है CRR से आपको समझ में आ गया होगा कि लिक्विडिटी एब्जॉर्व करता है। लिक्विडिटी एब्जॉर्व का मतलब क्या है कि मार्केट में पैसा नहीं जाने देगा। ऑब्वियस सी बात है बैंक जब 4 रुपये शुरू के निकाल के अपने पास रख देंगे, इनको लोन में नहीं घुमाएंगे, है ना। अब मान लो ICRR हो गया तो बोलेंगे भाई 10 रुपये निकाल लो, तो ये पहले 4 ही रुपये निकल रहे थे, अब 6 रुपये और एक्स्ट्रा मार्केट से हट गए ना, तो ये लिक्विडिटी जो है एक्स्ट्रा लिक्विडिटी उसको एब्जॉर्व करने का काम करता है। ICRR को बेसिकली इन्होंने हटाने के बाद बोल दिया है। अगला है ट्राइबल आर्ट पेविलियन। तो अभी रिसेंटली ट्राइफेड, आपको पता होगा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या करता है? इसका काम ये कि ट्राइबल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना है, ठीक है ना। तो अभी इंडिया के ट्राइब्स पवेलियन बनाया था इसने G20 में लीडर्स के सामने, क्राफ्ट बाजार के रूप में उन्होंने होस्ट किया था न्यू दिल्ली में, और वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाए थे। तो कौन कौन सी चीज़ें दिखाई? मैं आपको बता दूं, पिथोरा आर्ट, पहला तो है पिथोरा आर्ट, लिख लो ये इंपॉर्टेंट है। पिथोरा आर्ट एक रिचुअलिस्टिक पेंटिंग है, ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का बहुत फेमस है। मध्य प्रदेश में जो भील ट्राइब्स हैं, है ना, तो वहां पे भिलाला नायक भील ट्राइब गुजरात मध्य प्रदेश की, वो इसको करते हैं पिथोरा आर्ट, है ना, MP में तो बहुत फेमस है। एंड दूसरा आपका गोंड पेंटिंग भी मध्य प्रदेश की दिखाई गई थी। सौरा पेंटिंग वर शोकेस्ड फ्रॉम उड़ीसा, सौरा पेंटिंग लिख लीजिए, गोंड पेंटिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश, देन सौरा पेंटिंग फ्रॉम उड़ीसा। अंगोरा एंड पश्मीना शॉल्स, अंगोरा एंड पश्मीना वर फ्रॉम लेह लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, अंगोरा एंड पश्मीना शॉल्स, ठीक है ना। देन ज्वेलरी, कलरफुल ज्वेलरी बाय कोन्याक ट्राइब, नागालैंड की कोन्याक ट्राइब ने कलरफुल ज्वेलरी दिखाई थी। देन महेश्वरी सिल्क साड़ीज फ्रॉम प्रदेश, महेश्वरी सिल्क साड़ीज फ्रॉम द मध्य प्रदेश। एंड देन ढोकरा ज्वेलरी, ढोकरा ज्वेलरी बहुत फेमस है, ये भी आपका वेस्ट बंगाल उड़ीसा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, चारों स्टेट्स में है, वेस्ट बंगाल उड़ीसा छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। मोल्टन मेटल्स का यूज किया जाता है, बीड्स कलरफुल ग्लास पीसेज एंड वुडन बॉल्स का यूज किया जाता है ढोकरा ज्वेलरी को, याद रखिएगा काव आउट करने के लिए मोल्टन मेटल्स का यूज किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, तो याद रखिएगा। अगला टॉपिक है 21st वरुण नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस बिगिंस। तो 21वीं वरुण नेवल एक्सरसाइज जो है इंडिया फ्रांस के बीच में शुरू हुई, एंड ये इंडिया फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज होती है, तो सिंपल आप एज इट इज याद रख सकते हैं, एक्सरसाइज वरुण है, बायलिटरल एक्सरसाइज है इंडिया एंड फ्रांस के बीच की, 1993 से स्टार्ट हुई थी और इसका नाम 2001 में वरुण रखा गया था, याद रखिएगा। कुछ और एक्सरसाइजेज जो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, तो वो है जैसे गरुणा एक एक्सरसाइज है वो फ्रांस के साथ होती है, शक्ति एक्सरसाइज हमारी एक इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, ला पेरूज एक्सरसाइज भी हमारी इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है।
अब है अगली न्यूज़, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिलीज की है रिकमेंडेशंस ऑन इश्यूज रिलेटेड टू फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहा हूँ, एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इंक्लूडिंग प्राइवेट एफएम रेडियो ऑपरेटर्स। तो अब हुआ क्या, अभी देखो कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो ट्राई ने दिए हैं, क्यों दिए हैं, ताकि जो एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है ना। एफएम रेडियो का इम्प्रूवमेंट करने के लिए रिकमेंडेशंस दिए हैं ट्राई ने, ठीक है ना, इश्यूज रिलेटेड टू एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं, कौन कौन से रिकमेंडेशंस हैं मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लिख दिए, हालांकि फोटोज में इतने क्लियर नहीं दिख रहे, लेकिन क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं ट्राई ने वो बता लेते हैं। सबसे पहले बात तो उन्होंने कहा है कि एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग एफएम लाइसेंस पीरियड ऑफ 15 इयर्स बाय 3 इयर्स, है ना, जो अभी एग्जिस्टिंग एफएम लाइसेंस पीरियड था 15 साल का जो दिया गया था प्राइवेट प्लेयर्स को, उनको 3 साल और एक्सटेंड कर दिया जाए। सेकेंडली उन्होंने कहा कि प्राइवेट एफएम रेडियो ऑपरेटर शुड बी अलाउड टू ब्रॉडकास्ट न्यूज एंड करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स लिमिटेड टू 10 मिनट्स इन ईच क्लॉक आवर, तो हर घंटे में 10 मिनट तक वो क्या शोकेस करें, ब्रॉडकास्ट करें न्यूज और करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स को। देन एनुअल लाइसेंस फी ऑफ एफएम रेडियो चैनल शुड बी डीलिंक्ड फ्रॉम द नॉन रिफंडेबल वन टाइम एंट्री फी एंड द लाइसेंस फी शुड बी कैलकुलेटेड एज 4% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ द एफएम रेडियो चैनल ड्यूरिंग द रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर, तो जो ग्रॉस रेवेन्यू था उसका 4% फीस करना चाहिए, है ना, एंड जो वन टाइम एंट्री फी है उसको डीलिंक करना चाहिए किससे, एनुअल लाइसेंस फी को, ठीक है ना। फिर इसके बाद उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, गवर्नमेंट मे टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू प्रोवाइड रिलीफ टू द एफएम रेडियो ऑपरेटर्स टू एड्रेस चैलेंज पोस्ट ड्यू टू COVID-19, तो COVID-19 के चैलेंजेस जो थे एफएम के सामने उनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने चाहिए। एंड इसके अलावा जैसे उन्होंने कहा कि फंक्शंस और फीचर्स पर्टेन टू एफएम रेडियो शुड रिमेन इनेबल्ड एंड एक्टिवेटेड ऑन ऑल द मोबाइल हैंडसेट्स हैविंग द नेसेसरी हार्डवेयर, बिल्ट इन एफएम रेडियो रिसीवर्स होने चाहिए, मोबाइल हैंडसेट्स मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी फॉर्म ऑफ डिसेबलमेंट और डीएक्टिवेशन, को डीएक्टिवेटेड डिसेबल ना करा जाए, है ना, मतलब फोन्स में ये सुविधा रहे एफएम की। इसके अलावा एक स्टैंडिंग कमेटी हेडेड बाय सीनियर ऑफिसर और जॉइंट सेक्रेटरी और अबव लेवल टू ओवरसी द मॉनिटर एंड कंप्लायंस ऑफ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स, है ना, तो मोबाइल फोन के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सही से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एफएम रेडियो को डीएक्टिवेट तो नहीं कर रहे हैं, तो ये इसके लिए एक मीटी चाहे तो एक स्टैंडिंग कमेटी बना दे जो कि ये ओवरसी करेगी, स्टैंडिंग कमेटी जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल होना चाहिए, है ना, जहाँ पे कंप्लेंट्स अगर कोई आती है एफएम रेडियो के संबंध में तो वो ऑनलाइन पोर्टल में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियस बात है इसमें एफएम रेडियो इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा, उनके रेवेन्यू बढ़ेंगे। एफएम रेडियो इज़ अ वेरी ग्रेट टूल टू ब्रिज द इंफॉर्मेशन गैप जो हमारे इंडिया में है, हर लोग टीवी अफोर्ड नहीं कर सकते बट एफएम रेडियो तो हर लोग कोई अफोर्ड कर सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रूरल इंडिया में स्पेसिफिकली एजुकेशन पहुँचाने के लिए। अगला है मालवीय मिशन, तो अभी धर्मेंद्र प्रधान आपको पता होगा यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, इन्होंने मालवीय मिशन स्टार्ट किया है। मालवीय मिशन का मतलब क्या है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एट कौशल भवन, इट्स अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, मालवीय मिशन नाम याद रखिएगा, मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है एंड दिल्ली में स्टार्ट किया गया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इन इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में एजुकेशन जो है उसको उसका स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए बेसिकली ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। एंड इसमें बेसिकली इसको UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे विल बी हैंडलिंग दिस प्रोजेक्ट मालवीय या मालवीय प्रोग्राम, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसमें जो मेन फीचर वो है टेलर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स, याद रखिएगा दे हैव मेड टेलर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स। तो द मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मालवीय मिशन टू प्रोवाइड स्पेशलाइज एंड टेलर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम टू द टीचर्स, टीचर्स को टेलर्ड एंड स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करना इसका मेन एम है। टीचर्स को बताएंगे कि भैया टीचिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, टीचर्स को इक्विप करना है लेटेस्ट नॉलेज स्किल्स में, टूल्स में, एक्सेल में, इन सारी चीज़ों में, ताकि वो अपने रोल्स में आगे बढ़ सकें, है ना, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। अगला टॉपिक है कोणार्क व्हील, अब क्यों कोणार्क व्हील न्यूज़ में था, क्योंकि आपको पता होगा सन टेंपल का जो कोणार्क व्हील है वो अभी G20 में काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया, है ना, और उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो कोणार्क व्हील जो है वो बनाया गया था ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी अंडर द रीन ऑफ द किंग नरसिम्हदेव वन, है ना, तो नरसिम्हदेव वन थे उनके अंतर्गत ये बनवाया गया था। 24 स्पोक्स हैं इसके अंदर, कितने स्पोक्स हैं, 24 स्पोक्स हैं एंड लॉर्ड सूर्य के ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, लॉर्ड सूर्य जो है सन या सूर्य भगवान जो है उनके चैरियट उनके रथ का जो पहिया है उसको करता है। एंड द व्हील हैज आल्सो बीन अडैप्टेड इन द इंडियन नेशनल फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग में भी ये है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं।
जो इसका रोटेशन मूवमेंट है वो टाइम को सिम्बलाइज करता है, काल चक्र को सिम्बलाइज करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये फोटोग्राफ आपने देखी होगी, उसे यहाँ पे हैंडशेक कर रहे थे, है ना। सन टेंपल की अगर हम बात करें कोणार्क सन टेंपल की, तो सन टेंपल कोणार्क उड़ीसा में है और हिंदू सन गॉड सूर्य को डेडिकेटेड है। 1250 13वीं शताब्दी में ये किंग नरसिम्हदेव वन, जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे, उनके द्वारा ये बनवाया गया था। किसके द्वारा? किंग नरसिम्हदेव वन, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ठीक है ना। एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको काफ़ी ज़्यादा अपने आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ना, विच इज़ अ सबसेट ऑफ नगरा स्टाइल। नगरा यानी नॉर्थ इंडिया का जो स्टाइल है उसी का एक सबसेट है कलिंगा स्टाइल, जो कि आपके उड़ीसा वाले वहाँ पे कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर उसका ये परिचायक है, है ना। इसमें जो फीचर्स हैं वो भी वही के हैं, तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो ये तो थे 6 से 10 तक के एनालिसिस। आई होप इसमें ये वो सारी न्यूज़ आइटम्स हैं कुछ जो आपको जानने ज़रूरी हैं, जो जो चीज़ें हुई हैं। G20 का भी हम समरी सिनॉप्सिस सब हम देखेंगे करके, बट दीज वर द मेन important points, I hope you got clarity regarding that as well, है ना। तो 11 के एनालिसिस के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी ही सारे वीडियो डालेंगे, तो अभी 6 से 10 का वीडियो देख लिया आपने, अब 11 का वीडियो मैं अभी डाल रहा हूँ, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट। दैट इज इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।